ओम शांति। आज 3 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। इस पर आज बाबा ने विशेष देवियों को याद किया, जगदम्बा और वैष्णव देवी को, और विशेष स्वमान दिलाते कहा, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हो, यही तुम्हारा धंधा है। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। फिर कहा, जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे, वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। फिर बाबा ने सावधान करते हुए कहा कि बच्चे समझते हैं, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे, परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। फिर बाबा ने याद का सच्चा भावार्थ बताते हुए कहा कि केवल बाप को याद करना है, याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चे थोड़े ही बाप का जाप जपेंगे, तुमको भी जाप जपना नहीं है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने देवी गुणों पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाएंगे। फिर बाबा ने जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कहा कि तुमको ज्ञान की पॉइंट्स नोट करना चाहिए, अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती, इसलिए जो विशेष पॉइंट होती है उसे नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। फिर कहा, धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे, सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करे, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पाए। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने, तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। आज मुरली का प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है, तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है, तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो, सभी की कामना है हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, तो तुम जगदम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, यही तुम्हारा धंधा है। आज मुरली में गीत बजा, अम्बे तू है जगदम्बे, अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा, कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाले, अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है, जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना, काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगदम्बा भी एक ही है, दो भुजा वाली है, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगदम्बा भी 2 भुजा वाली हैं। जगदम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है, मशहूर हैं काली कलकत्ते वाली, उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है, खप्पर अर्थात मुंड की माला भी पहनती हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो जगत को रचने वाली ठहरी, वह बलि कैसे ले सकती हैं, अथवा वह मांसाहारी कैसे हो सकती हैं? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में हैं, परंतु बहुत जगह हैं। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेंगी,
भक्ति कितनी कड़ी है, अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी हैं वह वैष्णव बनती हैं। बाबा कहते अब जो मांसाहारी अर्थात पतितात्मा हैं वह वैष्णव अर्थात पावन बनती हैं। भल मम्मा तो कुमारी हैं, शायद कुछ भी न खाया हो, जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, यह समझने की बातें हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके, वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी हैं। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होंगी, फिर वैष्णव अर्थात पावन देवी गुण वाली बन रही हैं। है सारी संगम की बात, तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप एक ही है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक हैं। वह कभी बलि आदि नहीं लेती, पहले सुंदर थी अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेंगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगत अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं, समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे, हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसे मुरली नहीं चलती थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चिया हो, नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में इस पूजा से छुड़ाए कैसे, उन्हों को भी पूज्य तो बनना है ना, अर्थात भक्ति का फल तो मिलना है ना, तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वह जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी हैं। वह है कामधेनु। किस रीति वह मनोकामना पूरी करती हैं यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चिया, सिर्फ गौ माता नहीं पुरुष भी हैं, वह भी बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा है ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहां भाई भी सेंटर चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा देवे। स्वर्ग का वर्षा दे, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहां सतयुग में सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, कोई किसी को मानने वाले होंगे, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से जट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से, जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला, जगत पिता से, उनको कहाँ से मिला, शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, जगत अम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजा वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखाया है, तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्य की पूजा करते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। तो यह सब बातें समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वह अब नहीं है, जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे।
वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं, हम तो भगवान के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ, इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है। वह किसी के दासियां नहीं बनते, यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती हैं। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? बाबा पूछते किसका मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी? वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है, लक्ष्मी को दीप माला पर बुलाते हैं। यह है आत्माओं का परमपिता परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी, लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है, वह भी पक्के वैष्णव हैं, जगत अम्बा भी वैष्णव हैं। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं, उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वह अपनी पूजा कैसे करावे? देखो शिव बाबा इनमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाबा को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है, जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए। यह भी जरूरी बात है कि यह बाप हैं, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर देवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है, बाप समझाते रहते हैं। बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करें तो ऊंच पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात, परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है, वह गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। यह है प्रजा का राज्य, फिर देवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आए हैं आसुरी दुनिया को देवी बनाने, देवी धर्म की स्थापना हो जाएंगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे, इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं,
मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती हैं, बाद में ख्याल आता है यह सुनाना चाहिए था, नोट जरूर करना है। इसलिए बाबा कहते नोट करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठ बाप को याद जरूर करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करो, औरों को सुनावे तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा, मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सकेलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा, होशियारी से समझदार बन, कल्याण की भावना रख सेवा करनी है, देवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, परमात्मा प्यार से धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार से धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। स्पष्टीकरण है, परमात्मा प्यार धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। परमात्मा प्यार धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना, इसमें माया प्रूफ बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। अभी अनमोल रतन है दादियों की पुरानी डायरी से, अर्थात दादियों के मनन चिंतन किए हुए अनमोल रतन है। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास उनका फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान रत्न से ईश्वरीय स्थायी सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति।